फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. फंक्शंस का मतलब क्या है? फंक्शंस का मतलब है वर्किंग. फंक्शंस का मतलब है वर्किंग. चाहे वो कंप्यूटर है या डिवाइस है, हर एक डिवाइस को फंक्शन है. जो वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक डिवाइसेस को. ओके, सो आज हम ये सब कुछ एक एग्जांपल के साथ समझ लेंगे. हम लोग आज तो एक एग्जांपल लेने वाले हैं, वो एग्जांपल है कैलकुलेटर. ओके, कैलकुलेटर के हिसाब से हम समझ लेंगे कंप्यूटर कैसा काम करता है. क्योंकि कैलकुलेटर भी एक छोटा सा कंप्यूटर है ना. हमें जो कुछ हम टाइप करते हैं हमें तो आंसर देता है कंप्यूटर, है ना. सो हम लोग वो देखने वाले हैं आज. ओके ओके, सोचो कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है और यहाँ पे डिस्प्ले है. डिस्प्ले का मतलब है स्क्रीन. और यहाँ पे पावर बटन होगा, सीई का पावर बटन होगा. और यहाँ पे जो एम है वो होगा. ओके, सो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन और 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. और इसके बाद होगा, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं. ओके, और यहां पे होगा 1, 2, 3. और यहां पे होगा 0. और यहां पे होगा इक्वल टू. और यहां पे होगा डेसिमल पॉइंट, है ना. ऐसे ही दिखता है कैलकुलेटर. आई मीन मोर ऑर लेस ऐसे ही दिखता है. ओके, सो अभी देखो कि हमें 5 × 3 का आंसर मालूम होना चाहिए. तब हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेटर को ऑन कर देते हैं, है ना. सो ऑन है कैलकुलेटर. अभी ऑन होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले 5 को दबाएंगे. ऑटोमेटिकली यहां पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना. और उसके बाद क्या करना है मुझे, तो आज क्या करना है मुझे, आज 5 × 3 को देखना पड़ेगा. सो 5 × 3 क्या होगा अभी. सो उसके बाद मैं प्रेस करने वाली हूं मल्टीप्लीकेशन सिंबल. और ये क्या हो जाएगा अभी, ये 5 तो यहां पे लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन साइन यहां पे आ जाएगा. और उसके बाद क्या प्रेस करना है हमें, 3 प्रेस करना है. सो हम 3 प्रेस करेंगे और तीनों यहां पे आ जाएंगे. और उसके बाद हमें क्या प्रेस करना है, हमें प्रेस करना है बताओ. हाँ, हमें प्रेस करना है इक्वल टू. ओके, प्रेस करने से क्या हो जाता है, यहां पे जो 5 × 3 है ये ऑटोमेटिकली कैसे बदल जाता है, 15. करेक्ट, है ना. ऐसे ही आएगा. कहां गया 5 × 3, वो तो प्रोसेस होके 15 हो गया. 5 × 3 इज इक्वल टू 15. ओके, सो आप सोचो कैलकुलेटर अपने आप काम किया क्या, नहीं. कैलकुलेटर को हम बताना चाहते थे कि हम लोगों को चाहिए था 5 × 3 और इसके हिसाब से हम लोगों ने नंबर्स प्रेस किए थे. सो आफ्टर वी प्रेस्ड, अभी प्रेस करने के बाद ही उन्हें कैलकुलेटर को समझ में आया कि हम लोगों को 5 × 3 का रिजल्ट चाहिए था, है ना. उसके बाद ही कैलकुलेटर ने क्या किया, हमें वापस आंसर भेजा, है ना. सो अभी देखते हैं इसमें पहला स्टेप क्या था. पहला स्टेप था 5 मल्टीप्लीकेशन सिंबल और 3, ये सब प्रेस करना या नंबर्स उस बटन को प्रेस करना, उसे कहते हैं इनपुट. जो डेटा, जो नंबर्स हम लोग उसे कंप्यूटर को या डिवाइस को देते हैं हमारे तरफ से, उसे कहते हैं इनपुट. ओके, सो अभी देखो इनपुट क्या सब हो सकता है. टाइप कर सकते हो, ओके, या इसे बटन प्रेसेस कर सकते हो, या डेटा कुछ भी हो सकता है. सोचो कि स्मार्टफोन्स होता है उसमें वॉइस भी इनपुट है, क्योंकि आप कुछ चाहिए तो बता रहे हो वॉइस से. फोन कॉल के क्या बोलोगे, कॉल माय मॉम, कॉल माय डैड, ये सब बोलते ही कॉन्टैक्ट में जाके कॉल चला जाता है. सो सिग्नल्स या इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं डिवाइस को, उसे कहते हैं इनपुट, उसे कहते हैं इनपुट. और अभी दूसरा क्या हुआ, अब जब इक्वल टू प्रेस किए हमें तो आंसर आ गया. जो आंसर कंप्यूटर या कुछ भी डिवाइस हमें देता है उसे कहते हैं आउटपुट. इनपुट का ऑपोजिट क्या है, आउटपुट. इनपुट का ऑपोजिट आउटपुट. सो आउटपुट क्या होता है,
जो डिवाइस हमें वापस देता है एज पर आर इंस्ट्रक्शंस। अभी सोचो कि स्मार्टफोन में बोल रहे हो कॉल माय मॉम, अभी क्या होता है कॉल तो जनरेट हो जाता है और मामा को कॉल जाता है ना। सो व्हेन द कॉल गोज इट मींस आउटपुट, उसका मतलब है कंप्यूटर ने आपके इंस्ट्रक्शंस को मान लिया और फॉलो कर रहा है। सो वंस द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड, जो हमें वापस आता है उसे कहते हैं आउटपुट। सो यहाँ पे कौन सा है आउटपुट, 15 है आउटपुट। ओके, जब हम लोग इक्वल टू प्रेस किए उसमें क्या हुआ, 5 और 3 गायब हो गए है ना, क्योंकि 5 × 3 वे प्रोसेस्ड। प्रोसेस का मतलब है कैलकुलेटेड, प्रोसेस का मतलब है कैलकुलेटेड। कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन चल रहा था, यहां पे क्या कैलकुलेशन था, वो 5 × 3 वही तो कैलकुलेशन था ना। सो 5 × 3 बिकम्स 15, सो 15 आउटपुट हो जाता है। जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो वो बनता है प्रोसेस। सो इसका क्या सीक्वेंस होता है, इनपुट, इनपुट से हमें आउटपुट मिलता है, करेक्ट, इनपुट से हमें आउटपुट मिलता है, और जो बीच में चल रहा है उसे कहते हैं प्रोसेस, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिविजन हो, एडिशन हो, कुछ भी हो, उसे कहते हैं प्रोसेस। ओके, सो अभी फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या सब करता है, इनपुट, हाँ हमसे लेता है, इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है, प्रोसेस, हाँ प्रोसेस भी करता है, चाहे किसी भी एप्लीकेशन हो, हम बटन या ऑप्शन को दबाते ही हमें प्रोसेस चालू हो जाता है, और आउटपुट ये भी मिल जाता है, हमें रिजल्ट भी मिल जाता है ना। सो आउटपुट भी देता है, और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो किसी चीज में आज तक इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ, इसलिए कंप्यूटर बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि कंप्यूटर स्टोर करता है, जो हम करते हैं वो सब को कंप्यूटर स्टोर करता है। देखो कैलकुलेटर में जो ऑप्शन है M, इसका मतलब है मेमोरी। यहां पे आप जब प्रेस करते हो, सोचो कि 15 के बाद M प्रेस करते हो क्या होगा, 15 तो M में जाके स्टोर हो जाता है, M तो एक छोटा सा प्लेस है, वहां पे 15 स्टोर हो जाता है। अभी वापस सोचो कि हमें तो 9 + 3 करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 15, ओके, सो ऐसे करना है हमें, क्या करेंगे हम लोग, M में M दबा के M में 15 जाके बैठ जाएगा। अभी क्या करेंगे, 9 + 3 करेंगे, 9 + 3 क्या होगा, 9 + 3 होगा 10, 11, 12। अभी यहां पे 12 आ जाएगा, 12 आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 12 × प्रेस करके M दबाएंगे, तब क्या होगा, 12 × 15 हो जाएगा। सो अभी क्या करता है, कैलकुलेटर भी स्टोर करता है, मगर सिर्फ एक नंबर को स्टोर करता है वो। सोचो कि कंप्यूटर कितने सारे नंबर्स, कितने सारे फाइल्स को स्टोर करता है। सो यही है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, स्टोरेज, अभी पता चला आपको। ऑलराइट, सो देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कौन सा है। ये सब होने से ही कंप्यूटर को कंप्यूटर मानते हैं। अभी ये तो बहुत ही इवॉल्व हो गया है, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, ओके, बट स्टिल ये सब होता है इन एनी अदर फॉर्म, ओके। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, सो पहला है मॉनिटर, ओके, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है कीबोर्ड, और फोर्थ वन इज माउस। अभी सोच रहे हो कि आज के लैपटॉप्स और टैबलेट्स में ये काम पे होगा और उसे हम लोग कंप्यूटर नहीं कहते हैं क्या, ये सब है उस टैबलेट्स में भी, मगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पे है उतना ही, ओके। सो देखते हैं कैसा कैसा फॉर्म पे होगा। ऑलराइट, पहला वाला है मॉनिटर, आप देखते हो मॉनिटर जो है डिस्प्ले स्क्रीन है, इसका नाम है डिस्प्लेइंग डिवाइस। आप टैब को देखोगे टैब में भी तो स्क्रीन है ना, टैब में स्क्रीन है, स्मार्टफोन में स्क्रीन है आपका, है ना, जो डिस्प्ले करता है, जो डिवाइस हमें डिस्प्ले दिखाता है उसे कहते हैं हम मॉनिटर। सिर्फ वो डेस्कटॉप में मॉनिटर इतना बड़ा रहता है क्योंकि हमें काम करने के लिए टेबल के ऊपर रखना पड़ता है, सो इसलिए मॉनिटर इतना बड़ा रहता है। ऑलराइट, इसे क्या कहते हैं मॉनिटर को, फेस ऑफ द कंप्यूटर, मॉनिटर को क्या कहते हैं, फेस ऑफ द कंप्यूटर, ओके। सो
दूसरा पार्ट है सीपीयू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेस का मतलब क्या है? जो जो इनपुट को इनपुट हम देते हैं उसे आउटपुट तक रीच करता है वो मैकेनिज्म को कहते हैं प्रोसेसिंग. अभी 5 × 3 तो टाइप तो करेंगे, 5 × 3 ये तो टाइप करेंगे, मगर जब 5 × होता है 3 से उसे कहते हैं प्रोसेसिंग. हम लोगों ने देखा था ना प्रीवियस स्लाइड में, सो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग. सो ये क्या है सीपीयू इतना बड़ा, ये तो प्रोसेस करता है. क्या प्रोसेस करता है? जो इनपुट हम देते हैं उसे वो प्रोसेस करता है. ओके ऑलराइट. सो ये भी पूछ सकते हो टैबलेट में तो इतना बड़ा पार्ट ही नहीं है, स्मार्टफोन पे तो इतना बड़ा पार्ट ही नहीं है. स्मार्टफोन में टैबलेट में सब एक चिप होगा. ओके इसे कहते हैं सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट. ये तो इतना बड़ा नहीं होता है, सिर्फ एक चिप होता है जो टैबलेट में भी होता है. ओके और स्मार्टफोन्स में भी होता है. ऑलराइट सो सभी तरह प्रोसेसिंग यूनिट तो होता ही है. इज दैट क्लियर? सो इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि हमें प्रोसेस करने के लिए हेल्प करता है. और इसे ये भी कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ब्रेन क्या करता है? ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पे स्टोर करता है सब कुछ, जो देखते हो, खाते हो, जो काम करते हो, सब ब्रेन पे स्टोर हो जाता है ना. और ये भी बताता है कि ये कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है. सो इट प्रोसेस ऑल्सो. सो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? सीपीयू. अंडरस्टूड? ऑलराइट सो नेक्स्ट वन कीबोर्ड. ये तो कीबोर्ड तो हमें भी जानते हैं, इस कीबोर्ड में 108 कीज तो होते ही हैं. ओके कितना सारा कीज होते हैं? 108 कीज होते हैं. और इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं. सो क्या कर सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं कीबोर्ड से. सो टाइप करने से क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, है ना. सो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को. सो टाइपिंग डिवाइस है. हेल्प्स इन क्या करता है? हेल्प्स इन गिविंग डेटा टू द कंप्यूटर. सो जो कुछ हम चाहते हैं कंप्यूटर को देने के लिए इसके साथ दे सकते हैं. ऑलराइट कीबोर्ड है क्या नहीं टैबलेट्स में? टैबलेट्स में तो है, क्लिक करने से हमें तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है. स्मार्टफोन में है? हाँ वहां पे भी है. अब उसे ही हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस सब टाइप करते हैं, है ना. यस सो कीबोर्ड में वो भी है. माउस ये तो अलग सा डिवाइस है जो आप वायरलेस भी यूज कर सकते हो, वायर्ड भी यूज कर सकते हो डेस्कटॉप में. सो इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस. इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस. जो डिवाइस को हम पॉइंट करना चाहते हैं वो माउस के साथ करते हैं. हम लोग तो ऐसा होगा ना, माउस आप देख चुके होंगे, ये पॉइंटर तो मॉनिटर पे दिखेगा. सो जहां जाना है आपको पॉइंटर को ले जा सकते हो, है ना. एंड दिस हेल्प्स इन सिलेक्टिंग ड्रॉइंग एंड अदर एक्शंस. सिलेक्ट कर सकते हैं डबल क्लिक. अभी एक फोल्डर को ओपन करना है तो क्या करते हैं हम? डबल क्लिक करते हैं इसे. ओके और जब हम लोगों को ड्रॉ करना है, कुछ चीजों को ड्रॉ करना है, क्या करते हैं? माउस पॉइंटर के हिसाब से पेंट में ड्रॉ भी कर सकते हैं. अभी बताओ माउस स्मार्टफोन में है या नहीं? स्मार्टफोन्स में माउस है? टैबलेट्स में माउस है? है, मगर हम लोग माउस तो यूज नहीं करते हैं, हम लोग हमारे फिंगर्स को यूज करते हैं. अभी मुझे यहां से जो कुछ यहां पे डालना पड़ेगा, मैं सिर्फ मेरी फिंगर को ऐसे लेती हूँ और यहां पे यहां से यहां ड्रैग करती हूँ. सो माउस कौन सा है? हमारा फिंगर ही माउस है जो पॉइंट करता है, सिलेक्ट करता है और क्लिक करता है, वो सब कुछ हमारे फिंगर से ही है. अब मैं बताई थी ना, ये सभी कुछ होने से ही उसे कहते हैं कंप्यूटर या स्मार्ट डिवाइस. ओके सो अभी देखो सभी डिवाइसेस में, स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, सभी में ये सब कुछ, सभी डिवाइसेस उनके साथ ही हैं. सो ऑल दीज डिवाइसेस विल बी कॉल्ड एज स्मार्ट डिवाइसेस. ओके सो चिल्ड्रन व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर देखा था और ये भी देखें कि हर एक पार्ट अभी कैसे इवॉल्व हो गया है कंप्यूटर्स में, और ये भी देखें कि क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में. ओके सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर. बाय बाय.